हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 25 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 25 सितंबर 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में आईफा 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईफा द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स मुंबई में आयोजित किया गया है और आलिया भट्ट को राजी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार मिला है और रणवीर सिंह को, ये भी आपको याद रखना है, रणवीर सिंह को पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और अंधाधुन के लिए श्री राम राघवन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विक्की कौशल और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पद्मावत के लिए अदिति राव हैदरी को दिया गया है, ठीक है। तो आईफा 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार किसे मिला है? आलिया भट्ट, और अभिनेता पुरुष सर्वश्रेष्ठ रणवीर सिंह, ठीक है। और ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बिहार राज्य को किस वर्ष में अपना पहला ऑल वुमेन कर्मचारी डाकघर मिला? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर 2019, ये आपको याद रखना डेट, 21 सितंबर 2019 को बिहार राज्य को अपना पहला ऑल वुमेन कर्मचारी पोस्ट ऑफिस मिला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार लोक सेवा आयोग के परिसर में पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया और बिहार लोक सेवा आयोग के उप पोस्ट ऑफिस को बिहार के पहले ऑल वुमेन कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में अपग्रेड किया गया है और अधिक पारदर्शिता के लिए पोस्टल खातों को आधार के साथ भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बिहार राज्य को 21 सितंबर 2019 को अपना पहला ऑल वुमेन कर्मचारी डाकघर मिला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 2019-20 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुकर कामत। मधुकर कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुकर कामत को 2019-20 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC, ठीक है, ABC से आपको याद रखना है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह होम्यू सरजी एन कामा की जगह लेंगे और वह वर्तमान में DDB मुद्रा समूह के अध्यक्ष एमरेटिकस और इंटर ब्रांड इंडिया के मेंटर थे और मधुकर कामत एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना, सब आपको ये याद रखना है कि 2019-20 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष ABC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको आंसर करना है मधुकर कामत, MK, ठीक है, MK से आप याद रखेंगे, मधुकर कामत, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक समारोह में आयुष्मान मित्र नामक लाभार्थियों और स्वयं सेवकों का स्वागत किया और इस योजना के तहत राज्य में पिछले एक साल से 36 लाख से अधिक स्वर्ण कार्ड जारी किए गए, 36 लाख से अधिक, ठीक है, स्वर्ण कार्ड जारी किए गए, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली वर्षगांठ को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है, तो उत्तर प्रदेश का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है उत्तर प्रदेश की वो है 24 जनवरी 1950। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, भोजपुरी और उर्दू। यहाँ के जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश नोन फॉर शुगर केन बॉल ऑफ इंडिया एंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। मेजर रिवर्स जो है यहाँ की वो है गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और रामगंगा। यहाँ के जो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट वो है दुधवा नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात कर लेते हैं। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ के जो स्टेट एनिमल है वो है स्वैम्प डीर। स्टेट बर्ड जो है वो है सेरस क्रेन। स्टेट फ्लावर जो है वो है पालश। और मेजर डांस फॉर्म जो है वो है कथक, लखनऊ घराना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 2019 में ऑस्कर फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गली बॉय। गली बॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड फिल्म गली बॉय को ऑस्कर में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। और फिल्म जोया अख्तर द्वारा निर्देशित है और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में हैं। और यह नई पीढ़ी का एक नाटक है जो रणवीर द्वारा चित्रित एक रेपर मुराद के जीवन पर केंद्रित है। और यह फिल्म मुंबई के रेपर्स डिवाइन और नायजी की वास्तविक जीवन की कहानियों से प्रेरित थी। ठीक है, तो 2019 में ऑस्कर फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो गली बॉय आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र के आयकर के पहले प्रधान मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण मोहन प्रसाद। कृष्ण मोहन प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिल्ली में राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिल्ली में राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी कृष्ण मोहन प्रसाद को भी राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र के आयकर के पहले प्रधान मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। और केंद्र में 16 अधिकारी होंगे और इसकी अध्यक्षता एक प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र के आयकर के पहले प्रधान मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको आंसर करना है कृष्ण मोहन प्रसाद, KMP, कृष्ण मोहन प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, आपदा के बाद जरूरतों के आकलन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई दिल्ली में आपदा के बाद जरूरतों के आकलन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया और इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि थे। और इस कार्यशाला में नुकसान और नुकसान के आकलन में राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई दिल्ली में आपदा के बाद जरूरत के आकलन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण रेलवे ने उदक मंडलम से मेट्टुपालयम तक हेरिटेज हिल रेलवे के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे ने उदक मंडलम से मेट्टुपालयम तक हेरिटेज हिल रेलवे के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। 5 अक्टूबर से 29 नवंबर 2019 तक सभी सप्ताहांत पर पर्वतीय ट्रेन की विशेष यात्राएं होंगी और यह विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन में दूसरे फूल के मौसम के साथ आया है। और इसके कलर हिलग्रोव, अरुवंगडू, वेलिंगटन और कुनूरू में हॉल्ट होंगे। ठीक है, आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वह, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड को भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू।